Welcome to Takshila classes. I'm Karun Pankaj, and in this video, I'll be discussing the part 2 of MCQs on lakes of Himachal Pradesh. So let's start with the 31st question. In the previous video, we had discussed 30 questions, and in this, we will start from the 31st question, which is the Kunth Biog Lake, which is at a height of 1750 meters, is connected with. So Kunth Biog aisa lake hai jo ki Rivalsa town ke paas hai. ठीक है, Rivalsa town मंडी में है. ये Kunth Biog Lake भी मंडी में है. और इट इज़ एसोसिएटेड विद पांडवाज. पांडवाज से कैसे? क्योंकि अर्जुन जो था, जब कुंती को एक बार प्यास लगी तो अर्जुन जो थे, जो पांडव थे, उन्होंने क्या करा कि ज़मीन में तीर मारा और वहाँ से पानी निकल आया. ठीक है, और उसी को फिर कुंत, वही लेक जो था वो लेक बन गया और वो उसे कुंत भ्योग लेक बोला गया. ठीक है, सो एसोसिएटेड किससे है? पांडवाज से एसोसिएटेड है. ठीक है, और मेनली अर्जुन और कुंती से एसोसिएटेड है. ठीक है, इसकी हाइट है 1750 मीटर्स. ठीक है, रिवालसा टाउन के पास है ये. नो क्वेश्चन नंबर 32 इज कुंत ब्योग लेक इज सिचुएटेड नियर. सो एक विलेज है चंदेश रिवालसर, रिवालसर में. ठीक है, चंदेश रिवालसर मंडी में है ये, और रिवालसर के पास है, रिवालसर लेक के पास है ये. ठीक है, तो ये कुंत ब्योग कहाँ पे है? मंडी में, विलेज चंदेश रिवालसर के पास. नो क्वेश्चन नंबर 33 इज क्लासर लेक 1755 मीटर्स इज नियर. तो क्लासर लेक जो है, इंपॉर्टेंट तीन लेक हैं मंडी में. ठीक है, जो कि रिवालसा टाउन के पास हैं. तो सबसे पहले आता है कुंत भ्योग जो अभी पढ़ा हमने, सेकंड इज क्लासर एंड थर्ड इज सुखसर, जिसे सुख सागर भी कहते हैं. ठीक है, तो ये कहाँ पे है? रिवालसर में है. ठीक है, रिवालसर मंडी में, रिवालसर मंडी के पास है ये. ठीक है, नाउ सुखसर लेक इज लोकेटेड नियर. सुखसर लेक की बात करें तो ये 1760 मीटर्स अबव मीन सी लेवल है. ठीक है, ये लेक भी रिवालसर टाउन के नियर है. तो तीन इंपॉर्टेंट लेक, कुंत भ्योग, कलासर और सुख सागर, तीनों ही रिवालसर टाउन के पास हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ग्रासरू लेक 3505 मीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ 1 किलोमीटर की सर्कमफ्रेंस है इसकी, और ये तहसील चुर्रा में है, और चुर्रा है चंबा में. सो आंसर क्या हुआ? चंबा इज़ द राइट आंसर. इसी लेक, लेक के पास एक काली माता का टेम्पल है जहाँ पे लोग, जो लोकल ट्राइब्स हैं, वो यहाँ पे वर्शिप करने जाते हैं. सो चंबा इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो विच लेक इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स. 7 लेक्स का ग्रुप जो है, दैट इज लामा डल लेक, और उनमें सबसे बड़ा जो है उसका नाम लामा डल लेक है. ठीक है, जन्माष्टमी का जो फेयर होता है वो यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है लामा डल में, और अगर इसी के 15 दिन बाद आती है राधाष्टमी, जो कि डल लेक कांगड़ा में, जो कि धर्मशाला में है डल लेक, वहाँ पे सेलिब्रेशन होती है. तो जन्माष्टमी लामा डल में और राधाष्टमी डल लेक में. क्वेश्चन नंबर 37, लामा डल लेक 3962 मीटर इज लोकेटेड इन. तो लामा डल कहाँ पे है? चंबा में है. ठीक है, जन्माष्टमी मनाई जाती है यहाँ पे, जन्माष्टमी का मेला यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है लामा डल में. 7 लेक्स का ये ग्रुप है जिसमें सबसे बड़ा है लामा डल लेक. नाउ क्वेश्चन नंबर 38 इज खजियार लेक इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर्स फ्रॉम. तो ये खजियार लेक जो है ये चंबा में है. ठीक है, बेसिकली खजियार नाम की जगह है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड बोला गया था 1992 में. ठीक है, 7 जुलाई 1992 को स्टेटस मिला था खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का, जो कि एक स्विस एनवॉय जिसका नाम था विली पी ब्लेजर, उसने दिया था. ठीक है, तो ये है चंबा में. ठीक है, बेसिकली खजियार नाम की जगह पे बीच में एक कुंड है वहाँ पे, जिसे खजियार लेक कहा गया है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 39, खजियार लेक 1951 मीटर्स टेक्स इट्स नेम फ्रॉम. कहाँ से इसका नाम आया खजियार लेक? तो वहाँ पे एक खजियार नाग का टेम्पल है. ठीक है, और वहीं से डिराइव हुआ है खजियार का नाम भी और खजियार लेक का नाम भी. तो आंसर इज खजियार नाग. नाउ क्वेश्चन नंबर 48th क्वेश्चन इज मनी महेश लेक 3950 मीटर सिचुएटेड 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम भरमौर इज इन डिस्ट्रिक्ट. तो मनी महेश लेक जो है इट इज इन चंबा. ठीक है, और यहाँ पे जो फेयर स्टार्ट होता है, यहाँ की जो यात्रा, मनी महेश की जो यात्रा है वो स्टार्ट होती है अगस्त सितंबर में. ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इस जो वहाँ पे लेक है मनी महेश का, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लॉर्ड शिवा. ठीक है, कैलाश पर्वत जो है बिल्कुल पास है वहाँ से, वहाँ पे तो प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? लॉर्ड शिवा. और ब्लेसिंग्स किसकी हैं उस लेक को? माता काली की. ठीक है, और यहाँ पे माता पार्वती की पूजा माता गिरजा के नाम से की जाती है. तो चंबा में है ये. क्वेश्चन नंबर 41 की बात किए तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट. तो भृगु इज नॉट इन चंबा, ये कुल्लू में है. ठीक है, तो महाकाली लेक जिसे भागसू नाथ लेक भी कहते हैं, ठीक है, ये लेक कहाँ पे है?
चंबा में है. सो चंबा इज द महाकाली इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 42, करेरी लेक 1810 मीटर्स इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है करेरी लेक. करेरी लेक की बात करें तो करेरी लेक कांगड़ा में है. कांगड़ा में दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ठीक है, नेचुरल और एक आर्टिफिशियल है. ठीक है, दो नेचुरल कौन कौन से हैं, एक तो है डल लेक जहाँ पे राधा अष्टमी का फेयर सेलिब्रेट किया जाता है, और उसी लेक के पास लॉर्ड द्रिवेश्वर का मंदिर है जो कि सेज अगस्त्या ने बनवाया था. ठीक है, दूसरा आ जाता है करेरी लेक जो भी जो कि धर्मशाला में ही है, और थर्ड आ जाता है जो आर्टिफिशियल लेक है जो कि देहरा नाम की जगह पे है, पोंग लेक. नाउ क्वेश्चन नंबर 43, चमेरा लेक 763 मीटर गॉट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चमेरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट ओवर रिवर रावी इन डिस्ट्रिक्ट. तो चमेरा लेक जो है ये चंबा में है, ठीक है, ये चंबा का आर्टिफिशियल लेक है, मैनमेड लेक है ये, इट इज़ नॉट अ नेचुरल लेक. और चंबा प्रोजेक्ट जो हाइडल प्रोजेक्ट है उसी की वजह से ये लेक बना था चंबा में, चमेरा लेक. नाउ क्वेश्चन नंबर 44, वेयर इज पोंग लेक सिचुएटेड. पोंग लेक कांगड़ा के देहरा नाम की जगह पे है, ठीक है, ब्यास रिवर के पानी से बना है ये लेक, और पोंग डैम के लिए रिजर्वॉयर है. ये रामसर वेटलैंड साइट भी है, और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसको स्टेटस दिया गया था 1983 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का. नाउ कांगड़ा इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 45, डल लेक 1775 मीटर्स 11 किलोमीटर फ्रॉम धर्मशाला इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट. धर्मशाला खुद एक हेडक्वार्टर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, तो डल लेक कांगड़ा में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में धर्मशाला नाम की जगह पे. क्वेश्चन नंबर 46, लेक भागसुनाथ फॉल्स इन. तो भागसुनाथ की बात करें, एक्चुअली इट इज़ नॉट भागसुनाथ, ये गलत लिखा हुआ है, भागसुनाग होगा यहाँ पे, ठीक है, भागसुनाग. भागसुनाथ जो है वो महाकाली लेक को कहते हैं भागसुनाथ लेक जो कि चंबा में है, ठीक है, और ये भागसुनाग लेक जो है ये धर्मशाला में है, ठीक है. सो ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47, भृगु लेक 4,235 मीटर्स नेम्ड सो आफ्टर ऋषि भृगु इज लोकेटेड इन. सो भृगु लेक जो है दैट इज़ इन कुल्लू, ठीक है, रोहतांग पास के बिल्कुल नियर है ये. क्वेश्चन नंबर 48, दसर लेक 4,270 मीटर्स अबव ऑल्सो नोन एज सरकुंड एंड दसर इज नियर द रोहतांग पास इन डिस्ट्रिक्ट. दसर लेक जो है, दसर और भृगु दोनों ही कुल्लू में है, ठीक है, सर ऑल्सर की बात करेंगे तो दैट इज ऑल्सो इन कुल्लू. सो दसर लेक कहाँ पे है, कुल्लू में. क्वेश्चन नंबर 49, वेयर इज लेक मंतलाई. मंतलाई जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट क्योंकि ब्यास की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी जो कि है पार्वती वो इसी लेक से निकलती है, यहीं से ओरिजिन है उसका. खीर गंगा, मणिकरण, कसोल सब पार्वती रिवर के बैंक्स में हैं, और पार्वती रिवर कहाँ से निकलती है, मंतलाई से निकलती है जो कि कुल्लू में है. क्वेश्चन नंबर 50, लेक सरयोलसर 3,100 मीटर्स 20 किलोमीटर फ्रॉम आनी नियर जलोरी पास इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट. तो जलोरी पास कुल्लू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है क्योंकि वो आउटर और इनर सराज को अलग करता है, ठीक है, और ये कुल्लू में है. तो लेक सरयोलसर भी कहाँ पे है, कुल्लू में है. क्वेश्चन नंबर 51, चंद्रताल लेक 4,270 मीटर सिचुएटेड एट 6 किलोमीटर फ्रॉम कुंजुम पास इज द सोर्स ऑफ रिवर चंद्रा इज इन डिस्ट्रिक्ट. तो डिस्ट्रिक्ट की बात सबसे पहले करें तो वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है. ये यहीं से इस चंद्रताल लेक से ही चंद्रा रिवर निकलती है. दूसरी चीज़ ये कि चंद्रताल को लोहित सरोवर बोला था ह्युंत सेंग ने, ठीक है, लोहित सरोवर बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है. किसने बोला था, ह्युंत सेंग ने बोला था. दूसरी चीज़ कि ये एक रामसर वेटलैंड साइट है, ठीक है, रामसर वेटलैंड साइट सिर्फ तीन है हिमाचल प्रदेश में, एक चंद्रताल, एक पोंग लेक और एक रेणुका, ठीक है. तो ये चंद्रताल जो है ये रामसर वेटलैंड साइट भी है. रिवर कौन सी निकलती है, चंद्रा रिवर. नाउ क्वेश्चन नंबर 52, लेक सूरज ताल द सोर्स ऑफ रिवर भागा इज सिचुएटेड बिलो द समिट ऑफ बारालाचला पास इन द लाहौल डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट. तो सूरज ताल की बात करें तो सूरज ताल से रिवर निकलती है भागा और चंद्रताल से निकलती है चंद्रा. दोनों तांदी में मिलती हैं रिवर्स और फॉर्म करती हैं चंद्रताल और चिनाब रिवर, ठीक है. तो सूरज ताल तो जो है ये लाहौल स्पीति में है, बारालाचला पास के बिल्कुल नियर है ये दोनों, चंद्रताल और सूरज ताल. दूसरी चीज़ क्या आती है कि सूरज ताल जो है वो इंडिया का थर्ड हाईएस्ट, हिमाचल का हाईएस्ट और वर्ल्ड वाइड 21st हाईएस्ट लेक है. सो सूरज ताल लाहौल स्पीति में है. क्वेश्चन नंबर 53, लेक नाको 3,660 मीटर्स इज़ इन पू सब डिवीजन ऑफ हांगरांग वैली इन डिस्ट्रिक्ट. तो लेक नाको जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, ये हांगरांग वैली, पू वगैरह ये सब किन्नौर में है. और लेक नाको जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किन्नौर में. एक और लेक है वहाँ पे लेक सोरांग, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स
इज सिचुएटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर सूरजताल तो लाहौल स्पीति में, अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। रेणुका लेक जो है ये सिरमौर में है, ठीक है। ये परशुराम, जमदाग्नि ऋषि और रेणुका तीनों से एसोसिएटेड है ये लेक, ठीक है। जमदाग्नि ऋषि जो है, जो कि लोकल डाइटी है, मलाना विलेज जो कि कुल्लू में है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वहाँ पे मलाना विलेज में, वहाँ की लोकल डाइटी है जमदाग्नि ऋषि, ठीक है। जमदाग्नि ऋषि की जो वाइफ है, वाइफ थी, उनका नाम था रेणुका, ठीक है। और उनका जो बेटा था उसका नाम था परशुराम। तो तीनों ही किससे एसोसिएटेड है? रेणुका लेक से, ठीक है। रेणुका लेक की अगर और बात करें तो सबसे बड़ा नेचुरल लेक जो है वो रेणुका लेक है। सबसे बड़े लेक की बात करें हिमाचल प्रदेश में, वो है गोबिंद सागर लेक। सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक की बात करें, वो भी है गोबिंद सागर, जो कि बिलासपुर में है। अगर नेचुरल की बात करेंगे, नेचुरल सबसे बड़ा वो है रेणुका, जो कि सिरमौर में है। क्वेश्चन नंबर 55, द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल सिचुएटेड एट 42 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नाहन, तो कौन सा लेक है वो? दैट इज रेणुका लेक, ठीक है। सबसे बड़ा नेचुरल लेक हिमाचल का। क्वेश्चन नंबर 56, रेणुका लेक इन सिरमौर हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ, तो सर्कमफ्रेंस है इसकी 2.5 किलोमीटर्स, सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, विच लेक्स शेप रिजेंबल्स टू दैट ऑफ अ स्लीपिंग और रिक्लाइनिंग वुमन हु इज रिगार्डेड एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉडेस रेणुका, सो हियर आंसर इज रेणुका ओनली, बिकॉज रेणुका ऐसा लेक है जैसा इसे देख के ऐसा लगता है कि एक लेडी सोई हुई है, ठीक है, वैसी एक फिगर बनती है वहां पे लेक की, सो ये रेणुका लेक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, द लेक कनेक्टेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम एंड सेज जमदाग्नि, तो अभी अभी मैंने बताया कि सेज जमदाग्नि की वाइफ रेणुका, रेणुका और उनका बेटा परशुराम, तो तीनों किससे एसोसिएटेड है? रेणुका लेक से, ठीक है, जो कि है सिरमौर में। सूरजताल कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में, जो कि वर्ल्ड का 21st हाईएस्ट, इंडिया में 3rd हाईएस्ट और हिमाचल का हाईएस्ट लेक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, पोंग डैम बिल्ट इन 1975-76 अक्रॉस रिवर ब्यास एट द विलेज पोंग रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लेक कॉल्ड, तो पोंग डैम जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसे 1983 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस मिला था, ठीक है। ये एक रामसर वेटलैंड साइट भी है, ठीक है, और ये है देहरा नाम की जगह में जो कि कांगड़ा में है, ठीक है। और जो लेक पोंग डैम की वजह से रिजर्वॉयर है, ठीक है, जो रिजर्वॉयर है पोंग डैम का, दैट इज पोंग लेक, जो कि देहरा कांगड़ा में है, देहरा नाम की जगह में है, कांगड़ा में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामसर वेटलैंड साइट है, ठीक है। और एक और चीज़ के लिए फेमस है कि माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स जो हैं वो सारे लगभग यहीं पे आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं पोंग डैम में, ठीक है। एक रेड नेक ग्रीव करके एक स्पीशीज़ है, जो कि ऑल ओवर इंडिया दो ही जगह पाई जाती है, एक है भरतपुर जो कि राजस्थान में है और दूसरा है पोंग लेक, ठीक है। तो पोंग लेक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 60, पोंग लेक 450 मीटर्स कवर्स एन एरिया ऑफ 45,000 हेक्टेयर एंड इज फेमस फॉर माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, सो बी इज द राइट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, थैंक यू सो मच।